हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट कोकून हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे फीमेल्स के अंदर होने वाले हार्मोन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। हार्मोन्स बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि हमें हमारी बॉडी को कब और क्या करना है। हमारी बॉडी में एटलीस्ट 50 से ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। फीमेल हार्मोन्स की बात करें तो स्पेसिफिकली 4 हार्मोन्स हैं जो फीमेल्स के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को और सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। LH और FSH, ये दोनों हार्मोन हमारे ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हमारी ओवरी जो है वो रिलीज करती है। ये चारों हार्मोन्स का लेवल ब्लड के अंदर स्टैटिक नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, और इन्हीं के साथ में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलेट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हार्मोन इम्बैलेंस जो है ये क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने के लिए जो बेसिक रीजंस होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कारण होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हमारा डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा मेंटल फिटनेस इम्पॉर्टेंट होता है, फिजिकल फिटनेस इम्पॉर्टेंट होता है। आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आपका डाइट कितना बैलेंस डाइट है या बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करती हैं, बहुत सारी डिजीजेज हैं जैसे ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रोसिस हैं, और बहुत सारे हॉर्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं जो कि हॉर्मोन रिलीज करते हैं। तो बहुत सारी डिजीजेज हैं जो हॉर्मोन इम्बेलेंस कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फीमेल्स में बहुत मोस्ट कॉमन जो हार्मोन डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं। हार्मोन डिसऑर्डर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन्हें 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यंग एज ग्रुप की, जिसमें 11 से 20 साल की गर्ल्स आती हैं। सेकंड हम बात करेंगे 20-40 ईयर्स की फीमेल्स की, जो कि मिडिल एज ग्रुप है, और थर्ड होता है 40-55 एज ग्रुप, जो कि एल्डरली एज ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, यंग गर्ल्स की। 11-20 ईयर्स की फीमेल से कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो होती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। उनको साइकिल या तो बहुत डिलेड आते हैं या बहुत अर्ली फ्रिक्वेंट साइकिल्स आते हैं, साइकिल्स बहुत हैवी हो सकते हैं या बहुत स्कैंटी हो सकते हैं। इसके अलावा उनको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती है, जैसे कि एक्ने होना, फेस पे हेयर ग्रोथ होना, पिगमेंटेशन होना। थर्ड प्रॉब्लम होती है कि हॉर्मोन्स के इफेक्ट में उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट पेन हो सकता है। और फोर्थ प्रॉब्लम होती है वेट पुट ऑन की। जब आपके हार्मोन इम्बेलेंस होता है तो पेशेंट्स को वेट जो है वो पुट ऑन होता है। सेकंड हम बात करेंगे मिडिल एज ग्रुप की। मिडिल एज ग्रुप के अंदर भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कॉमन होती है। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि आप कंसीव नहीं कर पाते हो। इनफर्टिलिटी में जो मेन रीजंस हैं वो आता है PCOD, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड्स। तो ये सारे हार्मोन रिलेटेड डिजीजेस होती हैं जो कि एग फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं और साथ ही आपको कंसीव होने में रोकती हैं। थर्ड कॉमन प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें पेशेंट्स को या तो रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं या फिर प्री टर्म डिलीवरी, मतलब जल्दी डिलीवरी हो जाती है। फोर्थ जो प्रॉब्लम है कॉमन वो होती है इनके अंदर ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर पेशेंट्स के अंदर फाइब्रो एडिनोसिस हो सकता है या फाइब्रो एडिनोमा, मतलब ब्रेस्ट के अंदर गांठ हो सकती है। और फिफ्थ कॉमन प्रॉब्लम इनके अंदर आती है प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसके अंदर की पेशेंट्स को मेनोपॉज जो है वो लेट ना आके जल्दी ही आ जाता है। ये भी आजकल डे बाई डे बहुत ही हम फ्रिक्वेंटली ओपीडीज में देखते हैं। थर्ड एज ग्रुप हमारा आता है 40-55 ईयर फीमेल्स, ये मेनोपॉजल या एल्डरली एज ग्रुप होता है। इनकी भी कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, जिसमें पेशेंट्स को या तो बहुत प्रोलॉन्ग साइकिल्स चलते हैं, मतलब बहुत लंबे दिन तक ब्लीडिंग होती है, या बहुत हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है मेनोपॉजल सिम्टम्स। जब आपके हार्मोन बॉडी से कम होना स्टार्ट होते हैं या डाउन होना स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होते हैं हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स बहुत कॉमन होती है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये बहुत कॉमनली होता है। पेशेंट्स को वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस होना, कार्डियक डिजीजेस होना, स्किन चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बहुत से लोगों को स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉजल सिम्टम्स के अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो इनके अंदर आती है कैंसर्स की, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो सकते हैं। बहुत सारे कैंसर्स भी हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जो भी हार्मोन इम्बेलेंसेस हैं, इनका ट्रीटमेंट मोस्टली हमारे कॉज से रिलेटेड होता है।
बट सबसे इम्पॉर्टेंट और फोरमोस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें हम बोलते हैं कि आपको अपना डाइट हेल्दी और बैलेंस्ड रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है, आपको अपना मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना है, इसके अलावा आपका जो भी रीज़न है हार्मोन डिस्टर्बेंस का हम उसे मालूम करते हैं और रीज़न के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। अगर आपको कोई फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है या एंडोमेट्रियोसिस है जिसका कि हमें सर्जिकली ट्रीट करना है तो हम सर्जरी पर जाते हैं, और अगर वो प्योर हार्मोन इम्बेलेंस है कि आपके हार्मोन्स गड़बड़ हुए हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी फिर हार्मोन्स के जरिए किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिएगा।